नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे भारतीय कंपनी के बारे में जो 50 देशों में रन करती है और पूरी दुनिया में इसके 150 से भी अधिक ब्रांचेस हैं। इस कंपनी को चलाने वाले कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि बिजनेस वुमेन है और ये अपने आप में ही एक पावरफुल वुमेन है। जी मैं बात कर रहा हूँ रोशनी नाडर जी की, जिन्होंने दुनिया में फोर्ब्स के अनुसार मोस्ट पावरफुल वुमेन के लिस्ट में 55th रैंक हासिल किया है और साथ ही यह भारत की फर्स्ट रिचेस्ट वुमेन भी है। तो चलिए हम रोशनी नाडर और इनके कंपनी HCL के बारे में कुछ जानते हैं। HCL कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को रोशनी नाडर जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। इनका पूरा नाम रोशनी नाडर मल्होत्रा है, जो इस समय HCL टेक्नोलॉजी की चेयरमैन है। यह IT के सेक्टर में मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन भी है। रोशनी नाडर शिव नाडर जी की बेटी है। शिव नाडर जी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि यह भारत की जानी मानी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर है। इनका जन्म 1982 में दिल्ली में हुआ। उन्होंने दिल्ली के ही वसंत वैली स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। उन्हें पता था कि अगर किसी भी बिजनेस को संभालना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है और इसके लिए उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना शुरू कर दिया और इसलिए उन्होंने रेडियो, टीवी और फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने बिजनेस में कमांड हासिल करने के लिए केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से अपनी MBA की डिग्री हासिल की। MBA की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने बहुत सी कंपनियों में एज अ प्रोड्यूसर जॉब भी किया और इसके बाद 2008 में वह HCL कंपनी को ज्वाइन भी की। इस कंपनी में उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए उन्हें अगले ही साल 2009 में इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बना दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत से बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के ही कुछ सदस्यों को बिजनेस में उतार देते हैं लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी कंपनी लॉस में चले जाती है, लेकिन यहाँ पर रोशनी नाडर ने इस चीज का फायदा नहीं उठाया। उन्होंने खुद से मेहनत की और तब उन्होंने यह मुकाम हासिल किया और यही वजह है IT के क्षेत्र में आज इनकी कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। आगे चलकर 2010 में इनकी शादी शिखर मल्होत्रा से हो जाती है। शिखर मल्होत्रा इस समय HCL हेल्थ केयर के वाइस चेयरमैन है। अब मैं बात करने वाला हूँ HCL कंपनी की, जो IT के क्षेत्र में भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी को 11 अगस्त 1976 में शिव नाडर और अर्जुन मल्होत्रा द्वारा स्थापित किया गया था। HCL कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो अपनी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है और इसी के साथ साथ यह कंपनी दुनिया के 50 देशों में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर हम टेक्नोलॉजी के फील्ड की बात करें तो यह कंपनी BPO एप्लीकेशन सर्विसेज, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, IoT वर्क और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी अच्छी तरह से काम कर रही है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो यह काम कर ही रही है, इसके अलावा यह कंपनी ऑटोमोटिव बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, केमिकल एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड्स, एनर्जी, हेल्थ केयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, माइनिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस एंड टेलीकॉम के क्षेत्र में भी यह कंपनी अच्छी तरह से काम कर रही है। और यही वह वजह है कि 2017 में इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $18.7 बिलियन पहुंच गया था। अगर हम इस समय की बात करें तो HCL कंपनी में लगभग 147,000 से भी अधिक एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और यही वह वजह है कि जिसके कारण यह कंपनी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। इस कंपनी के इस तरह के ग्रोथ को देखते हुए इन्हें IT सर्विस मार्केटिंग एसोसिएशन की तरफ से गोल्ड अवार्ड, डायमंड अवार्ड और ABA डिजिटल मार्केटिंग अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम HCL कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो TCS, Wipro, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। जहां साल 2020 में HCL कंपनी का रिवेन्यू $10 बिलियन था, वहीं इसके कॉम्पिटिटर्स TCS का $22 बिलियन, Wipro का $9 बिलियन, टेक महिंद्रा का $5 बिलियन और इन्फोसिस का $13 बिलियन था। अगर आप लोगों को HCL कंपनी के कॉम्पिटिटर TCS के बारे में और अधिक जानना है तो हमने इस पर एक वीडियो बना दिया है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो लोगों द्वारा काफी सर्च किया जाता है, शेयर मार्केट। अब हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में HCL कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा है। जब 16 नवंबर 1999 में यह कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई और जब इसने अपना पहला IPO निकाला तब इस कंपनी ने काफी ग्रो किया। और अगर फरवरी 2021 की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $20 बिलियन तक पहुंच चुका है। अगर हम शेयर मार्केट में पिछले 5 सालों की बात करें तो HCL कंपनी ने 123% का रिटर्न दिया है। अगर आप लोगों को HCL कंपनी के बारे में यह सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को रोशनी नाडर और उनकी कंपनी HCL के बारे में और अधिक जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।